नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज। आज आप ये जो लोग देख रहे हैं, ये त्रिपुरा से आए हैं और अलग स्टेट की इनकी मांग है, तो उसी को लेकर जो है संसद मार्ग पर ये लोग यहाँ पर आज जंतर मंतर पे भी जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अभी हमारे साथ सर हैं, सर नाम क्या नाम है? हरिजन देवर, मैं एडवोकेट। तो सर, आपको त्रिपुरा अलग स्टेट क्यों चाहिए? अलग तो हम तो नहीं चाहता है, क्योंकि हमारे भाई बहन वो तो अभी इतना इतना कमजोर हुआ, क्योंकि जीना के लिए अभी रह सकेगा और नहीं सकेगा त्रिपुरा में, ऐसे अभी सवाल का जवाब चल रहा है। क्योंकि अभी त्रिपुरा में जो शासन चल रहा है, बांग्लादेशी जो रिफ्यूजी बन के जो आया था, समस्या तो हो गया उन लोग का भाई, तो वो लोग अभी संख्या बढ़ा के 2071 तक 62.33 बांग्लादेशी अभी त्रिपुरा में 7 सीट में ऐसे नहीं। जब हमारा त्रिपुरा में पूर्णांग राज्य मर्यादा मिला था नॉर्थ ईस्टर्न डे ऐसे एक मुताबिक, तो हमारे त्रिपुरा के लिए 7 सीट असेंबली स्टेट लोकल रिप्रेजेंटेटिव कार्रवाई किया था संविधान में। क्योंकि उस टाइम में क्या हुआ, जब बांग्लादेशी को कई कानून में संविधान आर्टिकल 10-11 में प्रोविजन है अमेंडमेंट के लिए, कई इंसर्शन भी कर सकते थे, अमेंडमेंट कर सकते संविधान, वो जो इसमें तो 368 संविधान का आर्टिकल में प्रोविजन है, तो उसको तो कार्रवाई करने का 10-11 जो सिटीजन नागरिकता जो आइन है ना, उसे तो पार्लियामेंट में पास करना होता है। तो पास तो नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, बिना संविधान बिना कानून लगा के 37 सीट साइड में, मतलब बांग्लादेशी कॉलोनियल शासन साम्राज्यवाद कर दिया। तो आप सब लोग कहाँ से आए? हम सब त्रिपुरा से आया हूँ। त्रिपुरा से आए हैं, तो क्या मांग लेकर के और क्या मांगे हैं आप? हमारा भाई बहन, हम तो अभी भी IPFT में जाहिर नहीं किया, क्योंकि हमारा जो आदिवासी, मतलब हमारा त्रिपुरा का जो त्रिपुरासा का समस्या मेरा समस्या, इसलिए हमें अगर दिल्ली में थोड़ा हमारे काम में ऐठा, हम निर्वाचन सदन में ऑफिस में गए जाके ऐठा, हमने उसमें उसको पेपर भी है, डेलिमिनेशन कमीशन जो के लिए उसको पेपर भी देखा ऐठा, क्योंकि अगला 2024 का निर्वाचन का पहले जो हमारे त्रिपुरा में पार्लियामेंट सीट उठा, ADC जो मेजोरिटी ट्राइबल एरिया में हमारे जो एरिया डेलिमिटेशन हो जाइए, इसलिए हम आज प्लेस करके आया था। क्योंकि हमारा पार्लियामेंट में जो कानून बनते हैं, हमारे त्रिपुरा में पार्लियामेंट आके कोई भी MP त्रिपुरा का समस्या बारे में कुछ नहीं कर कह सका। कैसी समस्या आ रही है त्रिपुरा? त्रिपुरा का समस्या अभी तो बांग्लादेश का शासन चल रहा है ना, 37 सीट ले गया बोलो ना, साइड में 37 मतलब मेजोरिटी 31 सीट है, अभी 37 सीट चल रहा, तो आप सोचो इसमें कोई संविधान कानून नहीं है त्रिपुरा में। अभी बांग्लादेश अभी ऐसा न्यू डिस्कवर कॉलोनियल बंगाली स्थान हो गया। अभी अमित शाह जी ने तो बोला था कि बांग्लादेशियों को जो बाहर से आते हैं, इनको ठहराने के लिए उनको नागरिकता दी जाएगी। वो तो जो बोलेगा, हाँ काम तो उल्टा कर रहा है ना, वो जो अभी जो मुख्यमंत्री पहले हुआ था 1970 में आया था, जो विप्लव दी मुख्यमंत्री हुआ था, अभी जो नया मुख्यमंत्री हुआ मानिक शाह, वो भी 72 में आया था, वो भी अभी मुख्यमंत्री हो, तो हमारा जो आदिवासी का जो राज परिवार का जो डेप्यूटी CM था जिष्णु देवबर्मन, उसे तो चीफ मिनिस्टर नहीं दिया। अलग स्टेट की मांग करेंगे? अरे अभी तो जीने के लिए कुछ ना कुछ हक चाहिए ना, क्योंकि हमारा त्रिपुरा का देखो, हमारे ADC जो कार्रवाई किया 244 आर्टिकल मुताबिक, उसमें कोई पावर नहीं, एक पुलिस को कंट्रोल करना कर ये पावर नहीं है, हाँ ADC का कोई पानी पावर नहीं है, जो राज्य सरकार जो भी देगा, सोचो आपको अमन का सीजन का जो राइस, हाँ आपको हाउस सीजन में देगा तो कैसा होगा? 1972 में तो आपको अलग ही स्टेट दिया था ना, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। त्रिपुरा तो पहले हमारा 184 राजा था, रासमाला है इसमें, आप ले लो कॉपी। 1949 में भारत में मिला दिया गया। हाँ वो जो देखो, हमारे 184 राजा है, राजा का नाम भी है वो उसमें, 184 राजा, आपको कॉपी ले जाए। हाँ हम तो फाइट करूंगा, सिर्फ मुख में नहीं, पेपर में होना चाहिए, कानून में होना चाहिए। सब ऐसे अलग अलग स्टेट मांगने लगेंगे तो कैसे चलेगा देश में? एक दिन वो भी समझाएगा। हमारा त्रिपुरा में हमारा अधिकार जो 1941 भारत का सारे खत्म होने से पहले जो आदमी था सोशल ऑर्डर, उसको दार्जिलिंग प्रिंसिपल में 38 आर्टिकल में लिखा है ना, अपना अलग अलग समाज व्यवस्था को, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, अर्थनैतिक अधिकार, सुरक्षा के लिए कहा गया था दार्जिलिंग प्रिंसिपल पॉलिसी में, ऐसा कुछ नहीं किया। आजादी का अमृत महोत्सव मन रहा है और आप लोग यहाँ पर क्या अमृत क्या है, हम तो जहर पी रहा हूँ ना, कम तो कहना, अभी भी आजादी का जहर पी रहा हूँ। कोई भी त्रिपुरासा कोई बोलता है हम आजादी का अमृत पी रहा, तो वो पागल है। हमारे जहर पी रहे हैं, अमृत काल चल रहा है, क्योंकि बांग्लादेश आके शासन बढ़े। आपका कौन सा राज्य का? रुको, आपका कौन सा राज्य का? दिल्ली से दिल्ली, आप दिल्ली तो अभी तिब्बतियन आके दिल्ली शासन करेगा, आप क्या बोलेगा?
आप मानेगा? मैं तो सवाल कर रही हूँ आपसे, इसलिए मेरा काम है ना। अब इस तिब्बत साइना आके शासन दिल्ली का शासन करेगा तो आप क्या बोलेगा? अलग स्टेट आपको चाहिए तो अलग प्रशासन, पुलिस सब चीज बढ़ेगी, उसका खर्चा कहाँ? क्योंकि अलग मांगना पड़ा, क्योंकि अभी जिना का और मकसद नहीं है, इसीलिए वो लोग मांग रहे हैं। अभी भी हम कोशिश कर रहे हो, हमारा त्रिपुरा को कोई दुर्भाग नहीं करना तो सही, क्योंकि 1941 जब भारत का साथ एग्रीमेंट हुआ, उससे सारी भारत आज़ादी घोषणा होने का पहले जो शंका था ना, वो सेंसस में सेंसस मुताबिक उससे कौन जाते कौन सा असेंबली सीट ऐसा होना चाहिए था। हाँ, ऐसे गलत। भारत का संविधान आप के देखो, भारत का संविधान तो 26 जनवरी 1950 में हुआ था ना, तो त्रिपुरा में हमारा अधिकार कब हुआ था? भावत जो पूर्णांग हुआ था, सी कैटागरी केंद्र शासन चला रहा था ना, तो भावत में जो पूर्णांग राज्य हुआ उसी टाइम में 60 विधानसभा दिया, उसको बांग्लादेश को 37 सीट दिया, तो अभी सोच लो बांग्लादेश अभी चला दिया, त्रिपुरा को जमीन भी खर ले लिया, जितना जमीन का कानून है आप देखो हमारे पास बहुत, हम तो वकील है ना, हमारे पास बहुत डॉक्यूमेंट है ना, जो भूमिपुत्र का नाम पर जनजाति के नाम पर लीज है, सब बांग्लादेशी बंगाली अभी शासन दखल कर रहा है भाई, इसको कोई निष्पत्ति का रास्ता कौन? पुलिस प्रशासन, लोकल प्रशासन किसके पास? चीफ मिनिस्टर कौन है, एसपी कौन है, जो भी है सब बांग्लादेशी, उसको सुरक्षा पाना के हमारे कोई रास्ता नहीं है, इसलिए अभी वो हो आईपीपी भी बांग्लादेशी नहीं होने चाहिए तो वहाँ कहीं और होने। हम तो नहीं कहूँगा, हम तो ऐसे कह रहा हूँ, अभी भी जो बांग्लादेश का जो हिंदू आया था वो तो कुछ समस्या हो गया ना, उसको एपार उपार होना चाहिए ना, तो बांग्लादेश तो अगर ब्रिटिश भंगो में दुपाट हुआ ना, दुपाट पंजाब जो हुआ था, ऐसा करके आपको जो त्रिपुरा में कोई भी नॉर्थ ईस्टर्न है वो लोग को तो पश्चिम बंगाल में देना चाहिए ना, पश्चिम होना चाहिए ना, इसके पार्लियामेंट में डिबेट होना चाहिए ना, तो सरकार क्या करेगा? क्योंकि हम तो नहीं बोलूंगा जो हमारे हिंदू समस्या होकर आ गया उसको फुल डिस्प्यूट करो, इसको रिटर्न करो, इसे नहीं बोलूंगा, हम तारीफ करता हूँ इंसान को। आपने कहा कि त्रिपुरा में बांग्लादेश का शासन चल रहा है, क्यों चल रहा है? हमारे भी थोड़ा हमारे जो पहले जो हमारा पूर्व पुरुष भी थोड़ा वीक था, कानून का बारे में कुछ नहीं जानता, अभी भी ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि वो बोलेगा तुम मनीष शर्मा ने कहा आ जाओ आ जाएगा, एकता को तोड़ेगा, जो ऐसे चल रहा है। हाँ, केंद्र सरकार क्या कर रही है? केंद्र सरकार में अभी हम आके मिलना का रास्ता भी नहीं मिलता है तो वो बंद कर देता है, कोई भी कांग्रेस पार्टी हो तो त्रिपुरा में कोई हमारा भूमिपुत्र कोई संविधान में तो हम आदिवासी चुनाव ना, संविधान का मुताबिक 342 आर्टिकल मुताबिक हम तो ट्राइबल चुनाव हुआ था, हमारा ट्राइबल का कोई चीफ मिनिस्टर कोई भी कुछ करना क्या करना तो कोई नहीं है, बात नहीं है, क्योंकि अभी दिल्ली में आना से रास्ता माना है तो है ना, हम आ रहा क्योंकि जीना तो जीना मन रहा सच्चा को, हम तो कानून बारे में कुछ शान पेजन हो गया, इसलिए हमारा अधिकार कैसे खोया, हमारा अधिकार किसका बांग्लादेश के हाथ में क्यों चला, ये हम तो पूरा रिसर्च किया ना। कहाँ अधिकार खो रहे हैं? सरकार लगातार दावे कर रही है। आप सुनो, हमारा त्रिपुरा भारत का साथ जो आज़ादी का पास वो जो एकता हुआ था, मतलब एग्रीमेंट हुआ था, मर्जर हुआ था, उसके टाइम पर कोई भी ऐसा समस्या बांग्लादेश त्रिपुरा में नहीं आया, तो अभी हमारे त्रिपुरा से में चीफ मिनिस्टर जुगे युग करके अभी स्वयं से हम तो महोत्सव करना था, अमृत महोत्सव हमका मीनिंगफुल करके हम भी कर सकता था, हमारा कैप भी फ्लैग लगा सकता था, दिल भी हमारे कपड़ा भी कोई भी हमारा इंडियन फ्लैग के सम्मान देने के लिए हमारा कोई कसूर नहीं है, ये हमारा कंट्री का, हम तो इंडियन का प्यार करता हूँ, अभी हमारे कोई भी गाड़ी घर में है, हम गाड़ी में हम फ्लैग रख देता हो, इसीलिए अभी हम कानून का जस्टिफाई होना चाहिए जल्द से जल्द, इसीलिए पहले हम तो इसमें देखे 2024 से चुनाव का पहले जो हमारा जो ट्राइबल एरिया मेजोरिटी लेके पार्लियामेंट सीट होना चाहिए, तो हमारे चुनाव में एमपी होके आएगा तो हम पार्लियामेंट में बताऊंगा। सबका साथ सबका विकास हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्यों विकास हो रहा है? अरे जो विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी रुपया डाल रहा है दे रहा है, कह रहे विकास, क्योंकि वो जो त्रिपुरा में जो जाएगा उसके खा लेगा, जो बांग्लादेश ना वो तो अभी भी आ रहा है, कल भी परसों भी हर दिन में आ रहा है, वो पेपर बना रहा है नागरिक का वोटर आई कार्ड, कोई भी पीआरसी, कोई भी वो जो आधार कार्ड अपना प्रशासन है अपना हाथ में है सब कुछ, तो इसलिए चल रहा है, और आप रिकॉर्ड करके रखो, ऐसे में नहीं होगा तो और 20-30 साल का बाद त्रिपुरा का कोई आदिवासी का रूप नहीं देखेगा, सब विलीन हो जाएगा। तो राष्ट्रपति भी जो आदिवासी तो है, ये तो हम भी जो द्रौपदी मुर्मू जी का हमारा अमी हम अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, हमारा प्रेसिडेंट गुजरात का है संजीव भाई डामोर एमपी था, 7 कॉन्स्टिट्यूटिव एमपी, वो सीनियर एडवोकेट है, वो हमारा प्रेसिडेंट आज आए दिल्ली में, हमारे बातचीत भी हुआ। हाँ, अभी हम तो उसको साथ बातचीत भी करूँगा,
आदिवासी के लिए 2011 से हम प्रपोज किया था, हमने बोला था उसी टाइम में जो देखो हमारा हम तो ज्वाइन किया आदिवासी में 2009 से, हमने देखा है अभी तक हमारा मांगना पड़ेगा क्या को आदिवासी का समस्या का लेने के लिए हमारे आशोक जो संविधान का जो सिग्नेचरी राष्ट्रपति कोई आदिवासी नहीं हो पाया, इसलिए हमारा 2011 भी दिया था सोनिया गांधी को, सोनिया गांधी नहीं दिया, उसको दिया किसको, प्रणब मुखर्जी को दिया, उसके बाद हमें 2017 में दिया था, उस टाइम हमारा आदिवासी विकास परिषद से हम मांगी किया था, उसी टाइम भी वो रामनाथ कुमार को दिया था, उसी साल भी हमारा 27 मई में हमारा मीटिंग हुआ दिल्ली में हुआ था, उसी टाइम भी हम फिर भी नरेंद्र मोदी को पास गया तो हमारा काम हो गया, अभी आदिवासी मूल मोदी का दिया, हम कोशिश करूँगा, हम उम्मीद हो इसी टाइम में हमारा अधिकार कोई भी खोया है क्योंकि हम कानून तो बहुत बनाया है, हिंदू राष्ट्र तो बन गया ना, हिंदू राष्ट्र तो बन गया, बना दीजिए कोई बात नहीं, हिंदू राष्ट्र चाहिए था ना आप लोगों को, तो बन गया है ना, अरे एक समान हो गया, गणतंत्र में लोकतंत्र में मेजोरिटी जो भी मांगेगा, हम नहीं मांगे से क्या होगा फायदा, हम एक दो नहीं मांगे कुछ नहीं होगा, सबको समान तो बोल दिया है अब, अरे ये तो कानून होगा कुछ भी होगा, अभी देख लो ना अभी तक तो पार्लियामेंट का अभी तो कामयाब नहीं हुआ ना, अभी तो पार्लियामेंट में बिल तो पास नहीं हुआ ना, उसके बाद क्या होगा इंडिया में, ये देखो देखना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा टाइम, तो क्या करेंगे यहाँ पर, अभी आज आए हैं आप, अलग अलग राज्यों से आए क्या, अलग अलग जगह से आए क्या, अरे अलग अलग नहीं, हम सब त्रिपुरा का है, सब त्रिपुरा का, उसमें जो है ना सब त्रिपुरा का सन ऑफ द सॉयल, इंग्लिश में सन ऑफ द सॉयल, और जो हिंदी में तो आदिवासी बोलते हैं ना, आदिवासी है क्योंकि भूमि पुत्र, तो हम तो नहीं बोलेंगे बांग्लादेशी जो आया था वो तो बंगाली का, तो वो कोई भी हम तो नहीं बोलूंगा, वो तो पश्चिम बंग वेस्ट बंगाल, क्योंकि ब्रिटिश बंगाल दो पार्ट हो गया, हम तो बार बार कह रहा हूँ, तो वहाँ पर क्या जंगल राज चल रहा है, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, प्रोसेसर गोली कर रहा, ट्राइबल कोई भी प्रोटेस्ट करेगा तो उसको एक्सट्रीमिस्ट लगा के आशा आदमी को गोली, एसडीएम को मार दे रहे ऑफिस में, एसडीएम 2007 में शुक्राम देव एसडीएम जो बंगाली जो बाहर चले गया उसको खिलाफ में वो माफिया बोल रहे हैं ना, उसका खिलाफ में तोरा बोलता ऑफिस का निकालना चाहिए, गोली कर मार दिया शशि मोहन देवरम एसडीएम इसे के कर दिया, बहुत चल रहा है त्रिपुरा में, कोई अभी भी मोदी जी हमारा आदिवासी लीडर लेके उसको दिल्ली में बुलाओ ना, बांग्लादेशी तो अपना आधार कार्ड दिखा रहे हैं, तो क्या पैसे देकर बनाए गए हैं, नकली आधार बना रहा है, अभी आधार कार्ड नकली बना रहा है, सुनो अभी भी अंदाज हमारा अंदाज में और जो 2011 सेंसस मुताबिक बांग्लादेश में अभी भी 16% हिंदू है, मतलब एक करोड़ का जैसा है, अभी हर हमेशा उसमें अत्याचार हो रहा है, तो आना ही पड़ेगा, तो आना मतलब हमारे त्रिपुरा का आदिवासी खो जाए, आप चाहो क्या अलग स्टेट की मांग कर देंगे आप, कौन वो लोग हमारे जो भाई मांग रहा है इसलिए थोड़ा कमजोर है, हम तो थोड़ा कानून का भी चर्चा किया, हम तो मिथिला वाले अलग स्टेट मांगते कभी आप लोग, अरे सेपरेट सुना मेरे बैठ सुनो, सेपरेट स्टेट मांगना ये भी एक बार है, क्योंकि अभी तो हमारा आदिवासी इतना कमजोर हुआ, अभी तो कोई कुछ बोलेगा तो हमारे तो गोली खा जाएगा, हाँ ऐसा होगा, इसलिए क्योंकि हमारे अभी कंप्रोमाइजेबल इसको बोलते हैं कंप्रोमाइजेबल, अब यहाँ से क्या करेंगे, अब आज यहाँ धरना कर दिया, अब क्या करेंगे आगे? हम तो धरना करके हम तो सोशल जो हम तो संविधान कानून है अवेयरनेस कर रहा है, एनजीओ मेरा एनजीओ है आदिवासी विकास परिषद, हम भी कोई बुलाता है तो हम उसको कानून शिक्षा देते हैं, इंडिया का कानून क्या है, हमारा अधिकार क्या होना चाहिए था, कैसा हमारे ऐसा हुआ, कैसा खिलाफ हुआ, हमारे भी छोड़ा गलत है, हमारे आदिवासी का लीडर जो हमारे फोर फादर इतना साल जो बहुत गलत था, वो भी शिक्षा लेखा पर नहीं था, क्योंकि वो तो कानून बारे नहीं जानता था, इसीलिए वो कंप्रोमाइजेबल इशू मान के सिग्नेचर किया, मान लिया, इसलिए हम तो अभी जाग गया ना, अब जागे हैं आप लोग, नारा हुआ ना अभी, अब जागे हैं आप लोग, आप जागे हैं, नारा हुआ अभी, पहले नहीं जागे थे, जब भी हम करके जाऊंगा, जब तक ऊपर वाला में हमारे जान ले ले तब तक, जब तक हम सच्चा कह के जाऊंगा, इंडिया का खिलाफ नहीं, इंडिया हम हर राष्ट्र का, हम सब संविधान पढ़ के देखा, इंडिया जैसा हमारा राष्ट्र का संविधान अच्छा कोई भी नहीं मिलेगा, कोई भी बोलते हो तो अच्छा, कोई भी ऑस्ट्रेलिया का अच्छा, अमेरिका अच्छा कोई मिलेगा, तो हम चैलेंज करूंगा, आप दिल्ली में बुलाओ, मेरे फोन रख दो, हम डिबेट करूंगा, कितना सुप्रीम कोर्ट का है कोई भी है, क्योंकि त्रिपुरा का संविधान को अच्छा बता रहे हैं, मगर मनुस्मृति लाने वाले मनुस्मृति, इंडिया का संविधान तो कार्यकारी का मैंने जो कार्य प्रकरण मतलब जो कार्रवाई के 1950 अभी जनवरी था, उस टाइम में हम त्रिपुरा का पूर्णांग राज्य देखे, जो आदमी था उसे असेंबली सीट देना, हम 40 का ऊपर साइड में हमारा असेंबली सीट होना था, ये संविधान का नहीं, ये तो इन्फॉर्मेशन जो रिकॉर्ड का बात है,
क्योंकि 71 साल पर मनुस्मृति लाई जाएगी आप संविधान। सुनो बहन जी, 1947 भारत का जो एग्रीमेंट हुआ था उसका बात उस साल से आप पेपर ले जाओ, आप देखो ये जो कैसे त्रिपुरा में बढ़ गया था। हाँ, ऐसे करके हाँ साल से साल बढ़ के, हाँ जब हमारे उसमें गवर्नमेंट कहा का स्टेटिकल सब हम ले लिया, वो जो ये जो उस रिफ्यूजी 15 लाख था उस टाइम में, 15 लाख था ना, 15 लाख में कितना 62.33। आप पेपर ले लो, कोशिश करो, आप समय से कोशिश करो, सारा हर भी इंसान अच्छा इंसान, कोई भी गिरा हुआ आदमी के लिए अच्छा रास्ता देखना, आप भी थोड़ा नागरिक का काम है ना, हम भी नागरिक होके आप खो जाइए आप चाहो क्या। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तभी देखिए आपने देखा किस तरीके से ये लोग जो हैं सारे त्रिपुरा से आए हुए हैं और अलग स्टेट की इनकी मांग है, जिस तरीके से वहाँ पर रिफ्यूजी और बांग्लादेशी ये बता रहे हैं कि पैठ कर रहे हैं लगातार, वहाँ पर जो जंगल राज चल रहा है लगातार, जो कायदे कानून जो है उसको नहीं माना जाता है, तो उसी के चलते ये अलग जो स्टेट की मांग करते हुए यहाँ पर ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पहुँचे हैं सारे त्रिपुरा से आए हैं, ये इतने तादाद में जो लोग हैं ये त्रिपुरा से आए हुए हैं। तो इसी के साथ आप देखते रहिए जनता आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, जंतर मंतर, दिल्ली।